हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम डीएनए आइसोलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। डीएनए आइसोलेशन के जो स्टेप्स होते हैं और जो भी स्पिनेच है, स्ट्रॉबेरी है और बनाना है, इनसे हम किस तरीके से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप स्टेप समझिए जो कि डीएनए आइसोलेशन में हम फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहली स्टेप होती है इसके अंदर सेल लाइसिस। सेल लाइसिस के बाद में जो स्टेप होती है प्रोटीन रिमूवल। प्रोटीन रिमूवल के बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में डीएनए का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो ये स्टेप किस तरीके से फॉलो होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सेल लाइसिस मतलब जो भी सेल्स होती है, जो भी ह्यूमन सेल्स होती है, जो भी प्लांट्स के अंदर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर जो सेल होती है, उस सेल का लाइसिस करने के बाद में हम डीएनए का आइसोलेशन कर सकते हैं। आप समझिए कि ये कोई भी पर्टिकुलर एक सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। वो किस सेल्स के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड होगा और किस सेल्स के अंदर हो डबल स्टैंडर्ड होगा, तो हमें क्या करना होगा कि इस सेल का लाइसिस करना होगा, इसका ब्रेकडाउन करना होगा। ये ब्रेकडाउन करने के बाद में ये जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप देखिए कि जो इस सेल लाइसिस की प्रोसेस होती है, सेल के बाहर अगर हमें डीएनए निकालना है तो इसमें एक एंजाइम का रोल होता है, जिस एंजाइम का नाम होता है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज इस एंजाइम की मदद से ये स्टेप फॉलो होती है। उसके बाद में अगर हमने इस डीएनए को निकाला, निकालने के बाद में क्या होगा, प्रोटीन का रिमूवल होगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये मटेरियल्स होते हैं, जो भी अलग अलग जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, वो प्रोटीन का भी हमें रिमूवल करना होगा। तो उस प्रोटीन रिमूवल के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है, जो कि प्रोटीएज और लाइपेज। ये दो एंजाइम्स इसमें रोल प्ले करते हैं कि जिससे प्रोटीन का रिमूवल होगा। उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है, जो कि हम सेंट्रीफ्यूजर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अंदर हम ये ट्यूब इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद में ये डीएनए का सेपरेशन करने के लिए मदद करेगी। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में हम डीएनए का प्यूरिफिकेशन करेंगे, जो भी मटेरियल हमें मिला है उस मटेरियल से डीएनए आइसोलेट करके हम सेपरेट करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे। तो आप अब देखिए कि जो स्पिनेच है, बनाना है और फिर स्ट्रॉबेरी है, इनसे हम डीएनए किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेप आपको फॉलो करनी है कि आपको जो बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, स्पिनेच है, इसको लेना है और इसे अच्छी तरीके से क्रश करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे अच्छी तरीके से क्रश करना है। क्रश करने के बाद में इसके अंदर हमें डिटर्जेंट ऐड करना होगा, कोई भी डिटर्जेंट आपको इसके अंदर ऐड करना होगा, जो कि आप एक बाउल के अंदर ले सकते हैं, बीकर के अंदर ले सकते हैं, तो इसे आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद में ये जो भी ये मटेरियल है, पूरा का पूरा मटेरियल, इसे हमें फिल्टर आउट करना होगा। फिल्टर करने के बाद में आप देखिए, जो फिल्टर करने के बाद ये जो फिल्ट्रेट आपको नजर आ रहा है, ये फिल्ट्रेट का क्या करेंगे हम, इस फिल्ट्रेट के अंदर हम चिल्ड इथेनॉल प्लेस आउट करेंगे। चिल्ड इथेनॉल प्लेस आउट करने के बाद में क्या होगा कि जो भी डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है वो बॉटम सरफेस में प्रोटीन्स आ जाएंगे, और जो अपर सरफेस है उसके अंदर आपको डीएनए देखने को मिलेगा। वो अलग अलग तरीके से वेरी करता है कि जिसका वेट ज्यादा है वो बॉटम पे जाएगा और जिसका वेट कम है वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा। आप देखिए, अगर हम सेंट्रीफ्यूगर की बात करें, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में एक सुपरलाइटेंट हमें मिलता है। देखिए, ये सेंट्रीफ्यूजर ट्यूब है। अब इस ट्यूब के अंदर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज हम पर्टिकुलर आरपीएम के अंदर करेंगे। जो पर्टिकुलर आरपीएम के अंदर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में क्या होगा कि अपर सर्फेस जो ये आप दिखाई दे रहा है आपको, इस सर्फेस के अंदर सुपरलाइटेंट होगा। तो सुपरलाइटेंट होगा तो यही पे डीएनए आपको प्रेजेंट मिलेगा, और ये नीचे का जो सरफेस है इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, इसके अंदर हमें प्रोटीन के पार्टिकल्स मिलेंगे। प्रोटीन पार्टिकल्स, जो भी जो एक्स्ट्रा कुछ पार्टिकल्स होते हैं सेल्स के अंदर, वो इस सरफेस के अंदर हमें मिलेंगे। अब ये जो डीएनए हमें आइसोलेट किया है, तो इस डीएनए को हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, आप सिंपली क्या करना होगा, आपको ये डीएनए यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना होगा, ये डीएनए एक्सट्रैक्ट करना होगा और अलग किसी ट्यूब के अंदर इस डीएनए को आइसोलेट करना होगा, डीएनए को इसके अंदर पुट डाउन करना होगा, और ये डीएनए आपको यहाँ पे मिलेगा, ये डीएनए के कुछ पार्टिकल्स। अब इसे स्टोर किस तरीके से करेंगे, तो इसके अंदर हमें क्या ऐड करना होगा, चिल्ड इथेनॉल।
डिस्टिल्ड इथेनॉल इसके अंदर अगर हम ऐड करेंगे तो ये एक बन जाएगा आपकी ट्यूब, और ट्यूब के अंदर आपको डीएनए मिलेगा और उसके ऊपर चिल्ड इथेनॉल, वो इसको स्टोर कर सकते हैं आप। तो इसको स्टोर करने के लिए आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रीजर के अंदर हम इसे रख सकते हैं। और एक बात यहाँ पर आप समझिए कि चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल क्यों करना है डीएनए को स्टोर करने के लिए, क्योंकि डीएनए और जो इथेनॉल होती है ये एक दूसरे में इनसोल्युबल होती है, इसलिए हम इन्हें एक साथ रख सकते हैं और हम डीएनए का स्टोर कर सकते हैं किसी भी फ्रीजर के अंदर। और उसके बाद में अगर आपको कुछ फर्दर प्रोसेस करनी है तो आप वहां से डीएनए को फिर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और आपकी जो प्रोसेस होती है, जो कि टेक्निक्स आपको फॉलो करनी है, वो आप कर सकते हैं। तो यही एक बात है कि आप किसी भी प्लांट्स के अंदर या फिर किसी फ्रूट के अंदर का डीएनए आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। फिर से आप एक बात समझिए कि क्या स्टेप फॉलो करनी है हमें फॉलो करना है कि जो एक पर्टिकुलर एक डबल स्टैंडर्ड का डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड का डीएनए हमें इसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है किसी, आप फिर से एक एग्जांपल लीजिए कि स्ट्रॉबेरी से एक्सट्रैक्ट करना, स्ट्रॉबेरी को क्या करेंगे हम, ये स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी को क्रश कर देंगे, क्रश करने के बाद में एक बीकर के अंदर स्ट्रॉबेरी के क्रश को डालेंगे, क्रश के ऊपर आप डिटर्जेंट डालेंगे, डिटर्जेंट के बाद में क्या करेंगे इसे हम फिल्टर आउट करेंगे, फिल्टर आउट करने के बाद में जो भी फिल्ट्रेट मिलेगा उसके अंदर हम चिल्ड इथेनॉल ऐड कर देंगे। चिल्ड इथेनॉल ऐड करने के बाद में आपको वो पर्टिकुलर फ्रूट के अंदर स्ट्रॉबेरी के अंदर आपको डीएनए दिखाई देगा, वो आप वहां से रिमूव कर सकते हैं और किसी अलग ट्यूब के अंदर प्लेस डाउन करके उसके अंदर इथेनॉल डालना है फिर से और स्टोर करना है। बस इसी तरीके से हम डीएनए की आइसोलेशन कर सकते हैं किसी भी प्लांट फ्रूट्स की मदद से। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।